दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज मंत्री तथा आदरणीय सभासद आज विश्व देशों को देखकर पश्चाताप से पीड़ित होकर अत्यंत दुखित हूं। मौन निद्रा में मग्न था, आज आंखें खुल गई। जवानी का प्रेत उतर गया, उमंगों का खेल सूख गया। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा कहीं के संयम में, अब अवधारण करके बाण प्रस्त जाऊं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरुषों की नाई बस, अब मुझे तपो बन जाने दो। राजा के लायक राम हुए, अब उनको यह राज चलाने दो। राजन, तुम्हारा विचार बहुत ही ठीक है और मैं भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। पुत्रों पर डाले राजभार राजाओं का है धर्म, ही चौथा मनुष्य की और प्रजाजन। अब आप लोग अपनी सम्मत दें। आज यह विराट सभा इसी हेतु बुलाई गई है। हे राम मधुर भाषी निर्मल बलवान भी है, नीतिज्ञ भी है, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही है, धर्म भी है। जो गुण चाहिए राजा ने वो सभी राम में दर्श है, इसलिए यही राजा हो। मैं पूर्ण राज से हूं। ए राजा होकर राज करें, हम गृहराश्रम त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक से अनुराग था। महाराज आपका विचार अति उत्तम श्रेष्ठ है। हम लोगों को यह प्रस्ताव स्वीकार है और आनंद है, प्रकार है। अच्छा सुमन, जल्दी राज तिलक का सामान ठीक करो। महाराज के आज्ञा से सब ठीक हो जाएगा।